अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद नोमान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों आज मैं आपको 4 वोल्ट बैटरी चार्जर सर्किट बनाना सिखाऊंगा। आप दोस्तों आसानी से घर तैयार कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये बहुत यूनिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। ये बाजार से आसानी मिल जाते हैं। इसकी खास बात एक और ये है कि जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, ये ऑटो ही चार्जिंग करना बंद कर देता है। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इस जो कंपोनेंट्स है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलो मैं आपको बनाना सिखाता हूं। दोस्तों सबसे पहले फीमेल जैक लिया, फिर उसके बाद BD139 का एक ट्रांजिस्टर लिया। इसकी 2 नंबर पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ लगा दिया। इसके बाद BC557 का एक ट्रांजिस्टर लिया, इसकी पहली वाली पिन को 139 की पिन नंबर 3 के साथ और इसकी 3 नंबर पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ अटैच कर दिया। दोस्तों इसके बाद BC547 का एक ट्रांजिस्टर लिया, इसकी पहली वाली पिन को पहले वाले BC557 के ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ लगा दिया और इसकी पिन नंबर 3 को नेगेटिव सप्लाई के साथ लगा दिया। इसके बाद एक और BC547 का ट्रांजिस्टर लिया, इसकी पहली वाली पिन को 2 नंबर ट्रांजिस्टर की 2 नंबर पिन के साथ और इसकी 3 नंबर पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ लगा दिया। इसके बाद 10 एक रजिस्टर लिया, इसके एक पॉइंट को नेगेटिव सप्लाई के साथ और दूसरे पॉइंट को BC547 के पिन नंबर 1 के साथ अटैच कर दिया। इसके बाद 10 के एक और रजिस्टर लिया, इसकी एक पॉइंट को पॉजिटिव सप्लाई के साथ दूसरे पॉइंट को BC547 के पहले पॉइंट के साथ लगा दिया। इसके बाद 100 UF का कैपेसिटर लिया, इसके पॉजिटिव सप्लाई को BD139 के तीसरे टर्मिनल के साथ और नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव सप्लाई के साथ लगा दिया। इसके बाद 10 के रजिस्टर लिया, इसके एक पॉइंट को नेगेटिव सप्लाई के साथ और दूसरे पॉइंट को BD139 के तीसरे पॉइंट के साथ लगा दिया। इसके बाद 1 and 4007 का एक डाईवोल्ट लिया, इसके एनोड पॉइंट को BD139 के पहले पॉइंट के साथ और कैथोड को वैसे ही रहने दिया। इसके बाद वेरिएबल रजिस्टर लिया, इसके 2 नंबर पिन को तीसरे BC547 के 2 नंबर पिन के साथ लगा दिया और 3 नंबर पिन को ग्राउंड कर दिया। इसके बाद 10 के रजिस्टर लिया, इसके एक पॉइंट को रेगुलेटर के पिन नंबर 1 के साथ और दूसरे को 1 and 4007 के डायोड के कैथोड के पॉइंट के साथ लगा दिया। इसके बाद एक रेड LED ली, इसके कैथोड पॉइंट नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव सप्लाई के साथ। इसके बाद 100 ओम बैंक रजिस्टर लिया, इसके एक पॉइंट को पॉजिटिव सप्लाई के साथ और दूसरे पॉइंट को रेड LED के पॉजिटिव सप्लाई के साथ लगा दिया। इसके बाद एक नीली LED ली, इसके पॉजिटिव सप्लाई को एनोड डायोड के एनोड पॉइंट के साथ और कैथोड पॉइंट को 100 ओम के रजिस्टर के एक पॉइंट के साथ और 100 ओम के रजिस्टर का दूसरा पॉइंट नेगेटिव सप्लाई के साथ ये के साथ लगा देना है। दोस्तों ये 4 वोल्ट की जो बैटरी है उसकी ये नेगेटिव सप्लाई है और पॉजिटिव जो सप्लाई है वो ये है। दोस्तों इस तरह ये सर्किट हमारा मुकम्मल हो गया है। आपको ये दोस्तों सर्किट की समझ आ गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सर्किट कैसा लगा। दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और शेयर करें।